हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम शेयरिंग विदाउट फाउंडेशन मेकअप लुक। समर के टाइम में ये मेकअप बहुत टाइम से लॉन्ग लास्टिंग होगी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि बिना फाउंडेशन से भी आप कैसे एक परफेक्ट बेस बना पाओगी, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एट फर्स्ट मैं फेस को क्लीन करूंगी। सो आई एम यूजिंग सुगंधा सेंटेला ग्रीन टी फेस वॉश। टेक ए स्मॉल अमाउंट एंड जेंटली मसाज ओवर द डैम्प फेस इन ए सर्कुलर मोशन। इट्स जेंटल एंड हाइड्रेटिंग फेस वॉश और ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए ही है। एंड ऑल्सो दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री। देन रिंस इट विथ वाटर। ओएमजी, लुक एट माय फेस। देख रही हो मेरा फेस कितना रिफ्रेश लग रही है। आई रियली लव द फेस वॉश। देन आई एम यूजिंग सुगंधा की व्हाइट लोटस मॉइस्चराइजर। टेक ए स्मॉल अमाउंट एंड अप्लाई इन योर फेस। दिस इज ए सुपर लाइट एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। इन्फ्यूजेस स्किन विथ हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑल ओवर फेस पे मैं मॉइस्चराइजर अप्लाई करूंगी। दिस मॉइस्चराइजर एक्चुअली ऑयली स्किन वालों और एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए ही है। समर के लिए ये मॉइस्चराइजर बेस्ट है क्योंकि ये ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर है। एंड ऑल्सो दिस इज फ्रेग्रेंस फ्री। वाओ, दिस इज वेरी गुड। लुक एट माई फेस, कितना शाइनी लग रही है मेरी स्किन। नेक्स्ट आई एम यूज सुगंधा की लैक्टिक बॉडी लोशन। लैक्टिक एसिड इज जेंटली एक्सफोलिएटिंग, नियासिनामाइड हेल्प्स इम्प्रूव योर स्किन, एंड कैलेंडुला एंड शिया बटर हैज सॉफ्टनिंग इफेक्ट ऑन ड्राई स्किन। वाओ, माई स्किन लुक्स वेरी हेल्दी। नेक्स्ट अप्लाई सनस्क्रीन। दिस इज सुगर कॉस्मेटिक सिट्रस गॉट रियल एसपीएफ 30 सनस्क्रीन। ऑल ओवर फेस पे ही सनस्क्रीन अच्छे से अप्लाई करूंगी। देन अप्लाई इन प्राइमर। दिस इज एनए बाई ब्राइटनिंग प्राइमर। ओपन पोर्स को लॉक करने के लिए मैं प्राइमर अप्लाई करूंगी। मेकअप करने के पहले आपका जो बेस है उसे अच्छे से करना पड़ेगा, नहीं तो मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। देन यूजिंग कंसीलर। यहाँ मैंने दो कंसीलर लिया है, एक है ये लिप की 16 आवर केमो कंसीलर और एक है इनसाइड की HD कंसीलर। फर्स्टली आई एम यूजिंग इनसाइड HD कंसीलर। ये कंसीलर मेरे स्किन टोन से थोड़ा सा डार्क है, तो इनसाइड कंसीलर के ऊपर मैं ये लिप के ये लाइट वाला कंसीलर थोड़ा सा अप्लाई करूंगी। मेरी फेस पे जहाँ थोड़ा सा डार्क एरिया है उस पर ही मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के बाद फिंगर टिप से ही मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। कंसीलर को सेट करने के लिए यहाँ मैंने लिया है लैक्मी रोज पाउडर। अंडर आई के साथ पूरा फेस पे भी पाउडर अप्लाई करूंगी। हो जाने के बाद आई एम अप्लाइंग आईब्रो मस्कारा फॉर सेट माई आईब्रोज। दिस इज फ्रॉम कलरबर। नेक्स्ट आई एम यूजिंग आईलाइनर एंड दिस इज सुगर कॉस्मेटिक ग्राफिक्स 36 आवर आईलाइनर एंड आई ड्रॉ विंग्ड आईलाइनर। आईलाइनर ड्रॉ करने के बाद मैं स्टे क्वार्की की व्हाइट काजल अप्लाई करूंगी। नाउ आई एम अप्लाइंग मस्कारा एंड दिस इज मेबलिन हाइपर कर्ल मस्कारा। अब मैं कंटूरिंग करूंगी, तो इसलिए मैंने लिया है सुगर कॉस्मेटिक्स की कंटूर डिफोर्स फेस पैलेट। दिस इज इन द शेड 03। इस पैलेट की जो पिगमेंटेशन है वो बहुत ही अच्छी है। चीक बोन्स, नोज, फोरहेड एंड जॉ लाइन पे मैं कंटूरिंग करूंगी। इस पैलेट में कंटूर, हाइलाइटर एंड ब्लश तीनों ही एक साथ आती है। कंटूरिंग करने के बाद मैं सेम पैलेट से ही ब्लश अप्लाई करूंगी। एपल ऑफ द चीक्स, नोज पे और चिन पे मैं ब्लश दे रही हूँ। नेक्स्ट आई एम अप्लाइंग हाइलाइटर। मेरी फेस पे जो हाई पॉइंट्स है उस पर मैं हाइलाइटर अप्लाई करूंगी। हाइलाइटर मेकअप को और भी ज्यादा ग्लोई और डीवी लुक देती है, सो डोंट स्किप हाइलाइटर। हाइलाइटर देने के बाद मैं पूरा मेकअप को मेकअप फिक्सर से फिक्स करूंगी। देन आई एम यूजिंग माई क्लैम की ये लिक्विड लिपस्टिक। सो या दिस इज माई फाइनल लुक। आई होप गाइज यू लाइक दिस लुक।
विदाउट फाउंडेशन पे भी ये मेकअप कितनी ड्यूवी और ग्लोई लग रही है। एनी ओकेशन पे भी ये मेकअप लुक आप लोग कैरी कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और कमेंट पे बताओ मुझे आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, ये मेकअप लुक कैसा लगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो।